मध्य प्रदेश में विधायकों को लेकर सियासी उठपाटक जारी है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिंधिया गुरुवार को दोपहर बाद भोपाल लौटेंगे। उनके स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में बड़े बड़े हॉर्डिंग लगाए हैं। भाजपा कार्यालय को सजाया गया है। इसी बीच पॉलिटेक्निक चौराहे पर सिंधिया के पोस्टर फाड़े जाने और उस पर काली स्याही फेंके जाने की भी खबर है। राज्यपाल लालाजी टंडन के भी दोपहर तक लखनऊ से भोपाल आने की सूचना है। दरअसल सिंधिया करीब 2 बजे विशेष विमान से स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। वहां से जुलूस के रूप में उनका काफिला शहर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ अरेरा कॉलोनी स्थित भाजपा कार्यालय दीनदयाल परिसर पहुंचेंगे। सिंधिया भाजपा कार्यालय प्रांगण में राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कुशभाऊ ठाकरे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वे कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। सुबह की अपडेट्स। दोपहर में लौटेंगे राज्यपाल। राज्यपाल लालाजी टंडन लखनऊ से वापस लौटेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलेगा। सबसे पहले तो उन 6 मंत्रियों का फैसला होगा जिन्हें हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2 दिन पहले की थी। 16 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है जो गहमा गहमी वाला है। कांग्रेस विधायक शुक्ला इंदौर लौटे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला जयपुर से इंदौर पहुंचे हैं। शुक्ला ने कहा कि वह निजी कारणों से वापस आए हैं। उनके पिता और बड़े भाई भाजपा में ही है और इंदौर के बड़े नेता माने जाते हैं। उनके भाजपा में शामिल होने की सूचना आई थी जिसका विधायक ने खंडन किया था। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सिंधिया को भाजपा में सुरक्षित रखें।